आज मैं अरबी पत्ते और पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें अरबी के पत्ते और एक चम्मच नमक डालेंगे। इसे गलने तक पका लूंगी। इसके लिए मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन अदरक, एक कटा हुआ प्याज, 250 ग्राम पनीर, 2 पका हुआ टमाटर लिया। अरबी के पत्ते गल चुकी है, इसे छन्नी में निकाल के ठंडे पानी से धो लेंगे। अब लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ी सी पकाकर इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा देर पका लेंगे। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल के मिला लेंगे। इस मसाले को तेल छोड़ने तक हम पका लेंगे। अब इसमें पिसे हुए अरबी के पत्ते और पनीर मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो चम्मच बटर, दो से तीन बूंद केवड़ा जल डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसमें एक नींबू का रस मिला लेंगे। अब अरबी पत्ते और पनीर की सब्जी पक के तैयार हो गई है।